हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जियोलॉजी ट्यूटोरियल। आज हम लेके आए हैं BHU, जो MSc का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सिलेबस। ऐसे कि आप सभी जानते हैं BHU पेट एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के नाम से हम जानते हैं। तो आज हम इसका सिलेबस देखने जा रहे हैं। जो बच्चे जियोलॉजी का टेस्ट देने एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं BHU से, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या BHU का सिलेबस है। देखिए, आज हम देखेंगे सिलेबस ऑफ BHU। तो ये देखिए, सिलेबस है एनिमल डाइवर्सिटी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड फिफ्थ हमारा डेवलपमेंट बायोलॉजी, कंपेरेटिव एनाटॉमी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, एंडोक्राइनोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, एपाइड जूलॉजी, टैक्सोनॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमारे 13 टॉपिक हैं। इनको हम डिटेल में देखेंगे कि एनिमल डाइवर्सिटी में क्या क्या आता है। जैसे एनिमल डाइवर्सिटी प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा वगैरह आते हैं, वही हम देखेंगे आगे। देखिए, उसमें देखेंगे डिटेल सिलेबस। तो एनिमल डाइवर्सिटी हमारा फर्स्ट टॉपिक था, उसका डिटेल सिलेबस देखेंगे कि उसमें क्या क्या और पढ़ना है। एनिमल्स डाइवर्सिटी में हम देखेंगे प्रोटोजोआ है पढ़ना है, पॉलीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, निमेटोहेडमिंथीज, एनिलिडा, ऑर्थोफोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डा। ये सारा जो हम BSc में पढ़ लेते हैं, 11th 12th में पढ़ते हैं, वही सारा सिलेबस इसमें आता है। जैसे हम जिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम जो पढ़ते हैं, वही इसका सिलेबस है। बायोकेमिस्ट्री में देखिए हम क्या देखेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, फैट्स, लिपिड्स, इन सबके हमें स्ट्रक्चर्स भी देखने हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के सारे स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे, DNA मॉडल एंड चारग्राफ रूल, एंजाइम, फीडबैक रेगुलेशन, माइकलिस मेंटेनेंस इक्वेशंस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक यूरिया साइकिल भी देखनी है, ट्रांसमिनेशन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक यूरिया साइकिल देखनी है इसमें। ठीक है, लिपिड्स भी देखने हैं, मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म भी देखनी है। अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सारे ऑर्गेन्स देखने हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह सब कुछ देखना है इसमें हमें। जो भी सारे सेल, सो माय सेल में ऑर्गेनिक्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एंड देयर फंक्शन, उनका फंक्शन भी देखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी देखना है, सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन भी देखना है, जो मियोसिस माइटोसिस भी देखना है, एंड कैंसर न्यूक्लियस भी देखना है। ठीक है, हमारा फोर्थ टॉपिक है मॉलिकुलर बायोलॉजी। मॉलिकुलर बायोलॉजी के अंदर आता है सेंट्रल डॉगमा, DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, RNA मॉडिफिकेशन, कैंसर, IRNA। फिफ्थ टॉपिक है हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम गैमेटोजेनेसिस देखेंगे। गैमेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस दोनों आते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देखना है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को भी देखना है, जो चिक्स की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को हमें देखना है। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन फ्रॉग एंड चिक्स देखना है, रीजनरेशन हाइड्रा और प्लेनेरिया का देखना है। कंपेरेटिव एनाटॉमी में हम देखेंगे नर्वस सिस्टम को, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम, ये सब सिस्टम जो दिए गए हैं, ये सारे हमें ह्यूमंस के देखने हैं। ठीक है, इवोल्यूशन में हम देखेंगे लेमार्किज, डार्विनिज्म, सिंथेटिक थ्योरी, इवोल्यूशन ऑफ मैन, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जेनेटिक्स में हम देखेंगे मेंडलिज्म, जेनेटिक्स एंड इट्स एक्सटेंशन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड क्रोमोसोमल मैपिंग एंड म्यूटेशन। इसमें हम देखेंगे सेक्स डिटरमिनेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एंडोक्राइनोलॉजी में हम देखेंगे एंडोक्राइन पेंक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, पिनियल ग्लैंड, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन, हार्मोनल डिसफंक्शन एंड डिसीज, एंडोक्राइन ग्लैंड इन इंसेक्ट्स। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं और क्या हमें देखना है। हमारा 10th टॉपिक था फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में देखना है रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम ऑफ मसल्स, एनिमल बिहेवियर हमारा 11th टॉपिक है, उसमें हमें देखना है इंस्टिंक्ट बिहेवियर एंड लर्निंग बिहेवियर, कॉन्सेप्ट एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जेनेटिक बेसिक ऑफ बिहेवियर, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल रिदम। ये जो 11th टॉपिक है हमारा, ये हमें BSc 3rd ईयर में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, जूलॉजी का जो BSc 3rd ईयर होता है, उसमें हमें ये टॉपिक देखने को मिलता है। अप्लाइड जूलॉजी भी, ये भी हमें BSc 3rd ईयर में देखने को मिलता है। एपिकल्चर एंड सेरिकल्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एपिकल्चर एंड सेरिकल्चर। टेक्सोनॉमी को हम देखेंगे, सिस्टमेटिक कंपोनेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, काइंड्स ऑफ टेक्सोनॉमिक करेक्टर्स। ये तो था हमारा जूलॉजी BHU का सिलेबस।
अब हम इसमें देखेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक था एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उसके बेसिक्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे प्रोटोजोआ को देखेंगे, पोरीफेरा को देखेंगे। तो हम इसमें सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और हम सोच का मतलब हम लोग ये सोचने की कोशिश करेंगे हमारा अच्छे से पैड एग्जाम निकल जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसा लगा आपको। ठीक है, थैंक यू।